क्या लिखा तुमने? बहुत कुछ, जितना सिर्फ आप समझ सकी। आपने क्या लिखा? उतना ही जितना तुम समझ सको। दिखाइए। ये हमें दे दो, हमसे कोई हाथ चला के नहीं। अरे क्या कर रहा है यार? अरे मेरी बात तो सुनो। अरे यार इंदर, अपन लोग तुम्हारे प्यार के दहलीज पे खड़े चौकीदार की तरह है। अपन से कोई भी बात राज नहीं रहनी चाहिए, समझे? पल्लो जी, आपका लेटर लाइए। अरे तू उधर देख, अपन इधर देख के पढ़ता है। और सुन, अखबार की तरह मत पढ़ना, प्यार से, ऐसे रोमांस के साथ पढ़ना कि इनका रोम रोम प्यार ही प्यार पुकारे। ए ललन, तेरे में क्या लिखा है? कुछ नहीं यार, यहाँ पर तो मेरा जीवन कोरा कागज है। मेरा भी, मेरा तो इतना सफेद है जैसे ड्राई क्लीन किया हो। कमाल है, भला मेरा कागज तेरे कागज से सफेद कैसे? वो इनसे पूछते हैं। हंसते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे यार, हमने इतना मार खाया, इतना लफड़ा किया, इतनी मुश्किल से तुम दोनों को एक किया, सिर्फ इसलिए कि तुम दोनों एक दूसरे का मुंह देखते रहो। तुम लोगों को प्यार करना नहीं आता, अगर ऐसे ही प्यार कर रहे हैं तो अपने अपने घर पे बैठ के प्यार करो। तुम दोनों ने अपन लोग को उल्लू बनाया, इसलिए आज से हमारी और तुम्हारी दोस्ती खत्म। चल ललन, चल ललन, सुनो तो। अरे नहीं सुनना है। अरे कहाँ जा रहे हो? गुड बाय, गुड बाय। क्या वो लोग हमसे इतना नाराज हो गए कि हमें छोड़कर चले गए? तूने सही खुनस दिया है ना। अब देख अपने आप किस करेगा वो। शायद वो लोग चाहते हैं कि मैं तुम्हें छू लूं। कैसे? कि मैं अपनी उंगलियों से तुम्हारे होठों को छू लूं। क्यों? नहीं नहीं, शायद वो लोग चाहते हैं कि मैं अपने होठों से तुम्हारे होठों को छू लूं। प्लीज ऐसा मत कीजिए, वरना हम यहाँ से भाग जाएंगे। मैं तुम्हारे होठों को छू रहा हूँ। देखिए, हम चले जाएंगे। छोड़ो, पकड़ लो उसे।